नमस्कार, बनाजा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ, सहजना की फली। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, कुछ लोग इसको मुनगा फली भी कहते हैं। तो बनाइए, खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सीखिएगा सहजना की फली की सब्जी। आज मैं सिखाने जा रही हूँ मुनगा फली की सब्जी या सहजना की फली। ये मैंने आधा किलो फली ली है, चार पांच आलू लिए हैं। इनको उबाल लेंगे, आलू को बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे, हल्का उबालेंगे। प्याज ली है, इनको छीलकर पेस्ट बनाने हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का अलग से पेस्ट बनाना है। फली को इस तरह के टुकड़े करके छील लेना है। इनको भी एक बर्तन में एक उबाल पानी में नमक डालकर उबाल लेंगे, हल्का ही इनको उबालेंगे। आलू को उबालकर काट लिया है, एक आलू के चार पीस किए हैं इस तरह से। ज्यादा नहीं आलू उबालने हैं, ध्यान रखें। फली को भी ज़्यादा नहीं उबालना, हल्का भपाना है इस तरह से, थोड़ा दबना चाहिए। तो मैंने फली भपा ली है और आलू को उबाल के छील के काट लिया है, एक आलू के चार पीस। धनिया पत्ती काटी है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है और प्याज का। आप सब्जी बनाएंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है, एक बड़ा चम्मच। तेल ज़्यादा नहीं डालें, जितना मसाला है उसके हिसाब से तेल डालें। तेल गरम हो चुका, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। इसको थोड़ा भुनने देंगे। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। एक मिनट इसको भुनने देंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और हमारे शरीर को फायदा भी करती है। ये बहुत ही मेडिसिन है ये एक तरह से। तो आप लोग जरूर बनाकर खाइए। अब डालेंगे प्याज का पेस्ट। इसको भुनने देंगे, मीडियम आंच पर भुनेंगे, जिससे हमारा प्याज जले नहीं। नमक डाल देंगे आधी चम्मच, जिससे ये प्याज जल्दी भुन जाए। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज भुन गई है, अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इस तरह की प्याज भुनना चाहिए। हल्दी डालेंगे छोटी चम्मच आधी, लाल मिर्ची आधी चम्मच, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा, धनिया पाउडर एक चम्मच, आधी चम्मच और, यानी कि डेढ़ चम्मच। इनको भी साथ में भून लेंगे। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च, ये तीखी नहीं होती है इसलिए एक चम्मच, इससे सब्जी में कलर अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे हमारे मसाले जले नहीं और भुनेंगे भी अच्छे से। अभी इनको और भुनेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ दें। इनको मीडियम आंच पर भूनते रहेंगे।
मसाला अच्छे से ही भुनना चाहिए, तभी सब्जी हमारी टेस्टी बनती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अभी इनको और भुनने देंगे। अब इसमें एक चम्मच दही डाल देंगे जो मैंने फेंट के रखा था। इससे अच्छा स्वाद आता है, स्वाद भी अच्छा आता है, मसाला भी हैवी नहीं लगता सब्जी में, खाने में भी टेस्ट आता है। इसमें आप काली मिर्च डाल देंगे एक छोटी चम्मच आधी। मसाला भुन चुका है, देखिए तेल भी छोड़ने लगा है। मैं बहुत ज़्यादा तेल में सब्जी नहीं बनाती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे फली, इनको भून लेंगे साथ में, मसाला भी और भी भुनेगा और फली भी साथ में भुन जाएंगे। सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, ये सब्जी सभी को बहुत अच्छी लगती है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करें हमारे मेथड से। आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। हमारी आपको मुनगा फली की रेसिपी कैसी लगी? इसी तरह से एक दो मिनट इनको भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू, इनको भी भुनने देंगे। आपको सूखी बनाना है तो ऐसे ही फ्राई कर लें, लास्ट में धनिया पत्ती डालकर निकाल लें। मैं तरी वाली बना रही हूँ जो कि आप रोटी, चावल, पराठा किसी से भी खा सकते हैं, बनाइएगा ज़रूर। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बनाकर देखें, ये बहुत ही अच्छी सब्जी है, फ़ायदा भी बहुत करती है। इसमें टमाटर नहीं डालते, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, बिना टमाटर के ही बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जितनी आपको तरी चाहिए उतना पानी आप डालेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाना है। पानी डाल देंगे और पानी डालेंगे। ये उबली हुई सब्जी है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है। आपको जैसी तरी गाढ़ी पतली खाना है तो आप उस तरह की बनाइए। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक सब्जी के हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा जैसा आप खाते हो वैसा डाल दीजिए। प्याज में भी डाला था भुनने में। अब इसको ढक देंगे एक प्लेट से। सब्जी को चला देंगे, खोलने लगी है सब्जी, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, मुंह में पानी आ रहा है, कितना कलर अच्छा आया है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी ये, बहुत ही टेस्टी लगती है। रोटी, चावल, पराठा आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बनाइएगा ज़रूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब इसमें हम डालेंगे एक आधा चम्मच छोटी गरम मसाला, सब्जी खोलने के बाद ही गरम मसाला डालें तो इसका टेस्ट बहुत ही
अच्छा आता है। दही डालने से मसाला हैवी नहीं होता, एसिडिटी वगैरह नहीं बनती है, इसलिए थोड़ा दही डालें तो बहुत ही अच्छा मसाला तैयार होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। एक दो मिनट और उबालेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। ढक देंगे, एक दो मिनट और पकाएंगे इसको। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी बन चुकी है। आलू उबले थे, फली भी थोड़ी उबली हुई थी, इसलिए बहुत अच्छी सब्जी बनी है। फली को ज़्यादा नहीं उबालना, नहीं तो फट जाती। देखिए कितनी अच्छी फली भी दिख रही है, आलू भी टूटे नहीं है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो आप इसी मेथड से बनाइए, आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से धनिया पत्ती। धनिया पत्ती बहुत ज़रूरी है, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है सब्जी। सब्जी हमारी बन चुकी है, ये फटाफट से बनने वाली सब्जी है। तो सब्जी बनकर तैयार है, आप भी पराठे रोटी चावल बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। तो गैस को बंद कर देते हैं, सब्जी बनकर तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, देखने में भी बहुत अच्छी है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी बनाइए, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और आप पराठा रोटी चावल बनाइए और खाइए और खिलाइए, एक बार ज़रूर बना कर देखें आपको हमारी सब्जी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो ज़रूर बनाएं सजना की फली।